मोटिया की दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हमरा से कुछ ना, हमरा से खेती पटाने नहीं है, जो हां हां हमरा से कुछ न डला है, शौचालय नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है, कुछ ना मुखिया जी कलो ना ना, मुखिया हमरा से परवाह नहीं करे की कही जाओ, मुखिया ना ना कचन है 10 कतो करे करे हमरा ने मात दे छे ने हां हम अच्छा कैसे नहीं को इंदिरा आवास से कुछ सुविधा नहीं छ पूछ ना चलो जाओ जाग देखो कर हमरा तो कमा नहीं हमरा नहीं रह देखा देखो घर द्वार पर छे मुखिया पूछ ने सुनवाई कर रहा छ हमरा ठीक। गोड्डा जिला के ठाकुर गंती प्रखंड क्षेत्र के मोरडीहा पंचायत अंतर्गत मोरडीहा ग्राम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तेजस्वी परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पशु सेट, शौचालय इत्यादि का स्वीकृति पत्र बांटा गया। बताते चले कि सभागार में कुछ समस्याएं देखने के लिए मिला, जिसमें ग्रामीणों का साफ साफ आरोप है कि मुखिया जी के तहत सुनवाई से वंचित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी लाभ हम सब तक नहीं पहुंच पाता है और शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होता है। जब संवाददाता अमरेंद्र ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, सीधे हमारे पास आकर मिले। मौके पर उपस्थित चिकित्सा प्रभारी से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हम और हमारे सभी कर्मी को वैक्सीन लगाने के लिए हर संभव आम जनता तक प्रयास कर रहे हैं, साथ में विकलांग पेंशन का भी फॉर्म जमा करवा कर डीसी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर प्रधानमंत्री आवास के स्टॉल पर जो कर्मी उपस्थित थे वह थोड़ी ही देर अपना ड्यूटी निभाकर 2:22 तक कैंप छोड़कर चले गए। वहां पड़े टेबल पर फॉर्म देख ग्रामीण बहुत आक्रोशित हो गए। आक्रोश होकर ग्रामीण हंगामा कर रहे थे। जब ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों ने बताया कि जब फॉर्म को ऑनलाइन नहीं करना था तो क्यों टेबल पर फॉर्म छोड़कर अधिकारी फरार हो गए। आक्रोशित ग्रामीण अपना अपना फॉर्म लेकर अपने घर चले गए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अमरेंद्र की खास रिपोर्ट। आगे आया सर, और जितना बैक डेट में गया है बैक डेट अभी हमारे यहाँ बैक डेट में जो पिछला 3 में पेंडिंग था जी पेंशन जी जी 4 में हम 2200 पेंशन के लिए आज लिस्ट ले लीजिए जी जी ठीक है जी। 3 में जितने लोगों का जमा हुआ था जी, चाहे मतलब किसी स्तर से जमा हुआ, सबका हमने बैंक के सफा कर दिया। अब ऐसे ऐसे जो एकदम जो कहीं नहीं किसी को दे सके, उनका जो जो भी उनका छूटा हुआ था उसको हम लोग आकर के पंचायत वाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये जो हो गया ना वृद्धा पेंशन का जो है सर समस्या, वृद्धा पेंशन में कुछ पशु सेट में कुछ सामने आ रहा है सर घूस का बात की पैसा के बिना नहीं हो पा रहा है, मौखिक मौखिक कमीशन। अच्छा वो तो अभी तो बयान दिए हैं सर मेरे पास, बयान देने से तो यही चीज लिख के देना। अच्छा वही चीज लिख के देने के बाद कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, 100% होगा जी। धन्यवाद। तो आप खुद से रूबरू हुए और वीडियो साहब वीडियो साहब का कहना हुआ कि आप इनके चेंबर तक जाइए और उन समस्याओं को रखिए, ठीक है? आप नीचे मुखिया जी और वार्ड सदस्य आपको डायरेक्ट नहीं मिलना है, अब जो भी कुछ काम करवाना है वो वीडियो साहब के पास डायरेक्ट आप जाइए। हम बार बार लोगों को कहते हैं कि कोई पैर भी नहीं, किसी को पकड़ के आने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे पास। पौड़े घर गिरे हैं, पाल मिला करी मदर सड़ी गया, चढ़ियो सड़ गया और अभी तक। अच्छा चलिए जो होना था वो तो हो चुका। आइए आइए आप आइए थोड़ा सा जी, क्या समस्या है आपका? काम नहीं कर पाते हैं क्या? कुछ हमको लगता है कि आप विकलांग भी हैं क्या? तो क्या विकलांग का कुछ पेंशन वेंशन मिल रहा है? क्यों फॉर्म वॉर्म भरे थे? कहाँ? हाँ क्या बोला मुखिया ने? अच्छा तो आप वीडियो साहब के पास जाइएगा, वीडियो साहब का आदेश एकदम साफ सुथरा में है, आप फॉर्म लेके उनके पास पहुंचिए और तुरंत कार्रवाई करेंगे और आपको लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है? आप अपना फॉर्म लेके वीडियो साहब के पास पहुंचिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे समाचार आज तक, मैं अमरेंद्र कुमार था। की नाम होला? पतिर नाम जलील मंसूर। हाँ जलील मंसूर। कहाँ घर हो? मोडिया। पंचायत कौन छ?
मोडिया की दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हमरा इसमें कुछ न हमरा इसमें खेती पता नहीं है छौ भी छौ हमरा इसमें कुछ न देला छै शौचालय न कुछ न शौचालय नहीं मिल रहा छै इंदिरा आवास मिल रहा छौ ना कुछ न मुखिया जी कहलो न ना मुखिया हमरा इसमें परवाह नहीं करे छै की कहि छौ मुखिया ना कहै छौ कुछ न दस्तखत करल छै हमरा मजबूर छै नहीं हम मजबूर नहीं छै हमरा घर पर के रो छै हां मिल जाय मिल ब्लॉक साहब इधर घर पर अच्छा ताइसनी को इंदिरा आवास नहीं कुछ सुविधा नहीं छौ कुछ न जाओ जाग देखो करो हमरा कना नहीं हमरा नहीं रह देखो देखियो जब घर द्वार पर छे मुखिया कुछ ने सुनवाई कर रहा छम ठीक सर यहां हॉस्पिटल के तरफ से क्या-क्या सुविधाएं अवेलेबल किया गया हम लोग आज यहां बोडिया में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में है और स्वास्थ्य विभाग के टीम से हम लोग बीपी जांच शुगर जांच एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन की जांच और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे कमर दर्द सर्दी खांसी इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवा हम लोग लेके आए हैं और लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं और दूसरा कॉन्सर्ट जो हम लोग का वैक्सीनेशन का है सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है कि वैक्सीनेशन जो है 100% करवाया जाए सारे जनताओं का वैक्सीनेशन 18+ उम्र के जितने भी हैं जो भी अभी तक छूटे हुए हैं सबका 100% वैक्सीनेशन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग तैयार कोविड वैक्सीनेशन सेंटर अभी तक कितने टीका लग चुका है सर अभी तक कितना भाई खुल चुका है अभी तक 44 तो क्या लगता है सर टीका का अभी तक कितना परसेंटेज हो अभी ठाकुरगंज प्रखंड और जहां हम लोग खड़ा है वो भी करीब 55+67% क्या लगता है सर कितना तक उम्मीद हो सकता है आगे जाने का हम लोग का लक्ष्य तो 100% का है प्रयास जारी है हम लोग अपने जितने भी सहिया साथी हैं टीचर्स लोग हैं और JSLPS के मेंबर हैं तेजवनी के मेंबर हैं सब आपस में लगे हुए हैं और सबके कोऑर्डिनेशन से हमारा टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोग आगे भी कामना करते हैं और आपके माध्यम से हम संदेश भी देना चाहते हैं कि अभी भी ठाकुरगंज प्रखंड के जो भी आदमी 18+ से ज़्यादा उम्र के हों टीकाकरण नहीं लिए हों आएँ हम लोगों से संपर्क करें कोई भी बीमारी हो उसके बारे में हम लोग जानेंगे समझाएँगे और टीकाकरण लेने के लिए आपका परिचय सर मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार मेहता है और हम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी CHC ठाकुरगंज क्या कहना चाहेंगे सर इस सिविल में जो आप हॉस्पिटल के तहत से जो सुविधाएं कराए गए हैं वो सुविधाएं में क्या पब्लिक खुश लग रही है एकदम 100% यहाँ जो हम लोग अपने काउंटर या दूसरे भी काउंटर हैं सारे के सारे जनता खुशी पूर्वक अपना कोई इंदिरा आवास के लिए कोई वृद्धा पेंशन के लिए कोई विकलांग सर्टिफिकेट के लिए हाँ एक बात कहना जो मैं भूल गया विकलांग सर्टिफिकेट के लिए भी हम लोग आवेदन ले रहे हैं अभी तक 4 आवेदन प्राप्त हो तो विकलांग सर्टिफिकेट का जो आवेदन लिया जा रहा है तो सर ये क्या हॉस्पिटल के तहत से है या नहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के तहत ये सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत है इसका मॉनिटरिंग हम आगे DC साहब करते हैं और जिसका आवेदन हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट सदर हॉस्पिटल गोड्डा जो कि सिविल सर्जन साहब के द्वारा निर्गत किया जाएगा ये और हर एक महीना के 25 तारीख को कैंप लगता है वहाँ डॉक्टर्स की टीम बैठती है वहाँ तक बात पहुँचा देंगे मतलब यानी कि जो जनता चाहती है उसको वहाँ गोड्डा जाने की जरूरत नहीं है हम उसके दरवाजे पर हैं हम एप्लीकेशन लेंगे और उनकी बात को हम गोड्डा में रखेंगे उसके द्वारा एक एम्बुलेंस आएगी सर के द्वारा DC सर के द्वारा और उसको ले जाएगी शिविर में और वहाँ पे जो योग्य चिकित्सक के द्वारा जो परसेंटेज मिलेगा वो उसको मिलके उसका निष्पादन किया जाएगा कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका प्रयास सफल हो रहा है हाँ हो रहा है बिल्कुल हो रहा है और यहाँ के जनता भी काफ़ी अच्छे हैं और जो कि वैक्सीनेशन में मेरा सहयोग कर रहे हैं और वैक्सीनेशन ले भी रहे हैं सारी जनताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद तो आप ठाकुरगंज प्रखंड के चिकित्सक प्रभारी से आप खुद बातचीत किए और यहाँ प्रभारी जी के तरफ से और DC महोदय के तहत से सारा सुविधा यहाँ टीका का भी रखा गया था और अच्छा प्लस पॉइंट लग रहा है इन टीकाओं में धन्यवाद मैं अमरेंद्र कुमार झा आप देख रहे हैं समाचार अच्छा मतलब तो सोच लो किनारे से कम हो जाए अच्छा दोनों मिल जा रही है दोनों मिल जाए चक्र मुखियो मिल रहा है ना बाबू पप्पू पप्पू
आप खुद से रूबरू हुए और देखिए समस्या कितना गंभीर है, जो कि पैसा लेके भी काम नहीं होता है। आखिर आम जनता कैसे एक दूसरे पे भरोसा करे, और यहाँ के प्रतिनिधि के ही आदमी कहते हैं, इनका आरोप है, ये हम नहीं कहते हैं, ये एक महिला का आरोप है कि 1000 रुपया देने के बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं है। मैं अमरेंद्र कुमार झा, देख रहे हैं आप समाचार आस्था। कुमार झा, आप देख रहे हैं समाचार आस्था। आज ठाकुरगंज के प्रखंड के मोढ़िया पंचायत के अंतर्गत मोढ़िया स्कूल के में सभागार का आयोजन रखा गया है, वहाँ ग्रामीणों से कुछ खास बातचीत में आइए, आपके आपसे रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश मंडल। पिता का नाम? ग्राम मोढ़िया। पंचायत? क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि हम लोग को मना सीट मिला, गाय सीट मिला, पैसे का बात। हम लोग किसान गरीब आदमी है और पैसा नहीं रहने के कारण हम लोग का आवास आखिर ब्लॉक में किसको दिए, आखिर वो अधिकारी कौन है, आखिर ब्लॉक में आपको स्टाफ दिए होंगे ना? अच्छा, इस पंचायत का बिचौलिया कह रहा था कि हम आप पैसा दीजिए, हम काम करा देंगे। तो पैसा नहीं हो सकता, हम नहीं करा सकते। क्या नाम हुआ चाची आपका? थोड़ा इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, इधर 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 कैमरा को देखिए, इधर से इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ चाची आपका? चंद्रिका देवी। हाँ, चंद्रिका देवी। का नाम? अच्छा, आप विधवा हैं? कुमार बाबू, विधवा पेंशन मिल रहा आपको? विधवा पेंशन का फॉर्म भरे थे? अच्छा, ढेरी भर लो, लेकिन मिलता ही नहीं। कहना मुखिया जी कलो है बात? कोई नहीं तो फॉर्म ऐसे भरला बाद भी कोई सुनवाई नहीं। वीडियो साहब लगे लो चलो। के लेना चलो पैसा? के भूसी साहब। अच्छा, 1000 देना लोग रहा कहना? अच्छा, तोरा कल 1000 दाम करवा देव, और पैसा भी दे ले करवेल भी ना। आरो कुछ शौचालय उचालय मिललो छै? कुछ नहीं। आरो इंदिरा आवास? कुछ नहीं। तो मुखिया जी तो नहीं गेलो की इतना परेशान? मुखिया जी कहे बात कम्प्लेन करना लोग, 1000 पैसा ले रहे छौ? अच्छा, मतलब तू सोचलो किनारे से कम हो जाए? अच्छा, दोनों मिल जा रही दोनों मिलने चक्कर मुखिया में मुखिया मुखिया के पास जब आप गए तो क्या जवाब मिला मुखिया का? अच्छा, कर देंगे 10 साल से करिए रहा है। अच्छा, तो अभी तक कोई लाभ? कुछ लाभ नहीं है। अच्छा, कुछ भी मतलब शौचालय उचालय मिला है क्या? शौचालय मिला है, 8000 दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मुरली देवी। क्या पति का नाम? अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है क्या आपको? शौचालय मिला था? शौचालय मिला है, 8000 दिया है। कितना दिया है? 8000। शौचालय में 8000? हाँ। क्यों, कितना आता है शौचालय का? 12000 बोला कि मिलेगा, बोला कि हां, बोला 5000 एक बार दिया। अच्छा, 5000 दिया, सब मिला के 8000 दिया। अच्छा, सब मिला के 8000 दिया गया, बाकी का पैसा? और बाकी पैसा बोला है ये नहीं, बोला अब है ही नहीं। तो ये कौन बोला कि है ही नहीं? मुखिया बोला। क्या नाम है आपके मुखिया का? मुखिया जी का क्या नाम है? कौन सा पंचायत है? मोढ़िया पंचायत।